अरे बीबी तुझे इतना शौक़ है और आदमियों से बात करने का दिख रहा है तुझे बन गया है डिलीवरी करने आए है ऊपर ले के जा रहे है लेकिन बहाना चाहिए था तुझे है ना कि मैं कैसे करके आदमियों से बात कर लूँ उनको फंसाने के लिए तो तू उनसे पूछ रही है कि बन गया है क्या ज़रूरत थी पूछने की मतलब छिछोरा पना कहीं पे भी औरत नहीं छोड़ेंगी हर जगह पे इसको मौका चाहिए रहता है कि मैं आदमियों से बात कर लूँ गू है ना वहाँ पे वो बात कर सकता है कैमरा उनके मुंह में डाल के उनकी पूरी वीडियो बनाने की जरूरत थी और आदमियों से बात करने की ज़रूरत थी बन के आ गया है डिलीवरी कर रहे हैं फिर ये तुक पूछने का क्या तुक बनता है कि बन गया है लांती किरदार औरत और इसकी आवाज़ सुन के साफ नजर आ रहा है मतलब समझ आ रहा है कि ये अभी अभी सो के उठी है और अपने आप को ऐसे जताती है कि मैं सारा काम कर रही हूँ मैं मेहनत कर रही हूँ हालांकि कुछ नहीं कर रही है सिर्फ गाड़ी में घूमना और गोचू को सारा काम बताना एक बात बता पिटारा वो जो फिर से जो मुंशी बना हुआ था हिसाब लिख रहा था तू तो बोल रही थी कि डॉक्टर को जैसे अपनी राइटिंग समझ आती है वैसे गोंचू को ख़ुद की राइटिंग समझ आती है तो अभी ये नहीं लिखेगा उससे तूने छीन ली थी तो अभी वापस से तूने उसको दे दी मीनस के जैसे कि तेरे को उसके ऊपर गुस्सा आता है तू गाड़ी की चाबी छीन लेती है घर में से निकाल देती है उसी तरह से तब तुझे गुस्सा आया था इसके लिए तूने उससे छीन लीती है ना और अभी तूने फिर से उसको वो काम दे दी पैकिंग भी गोंचू कर रहा है सारी चीज़ें गोंचू कर रहा है मतलब वहाँ से लेकर आना वो भी गोंचू कर रहा है पैकिंग भी गोंचू कर रहा है लेबल भी गोंचू लगा रहा है डिलीवरी भी गोंचू कर रहा है लिख भी गोंचू रहा है हिसाब भी गोंचू कर रहा है मतलब सब कुछ टोटल गोंचू कर रहा है लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है पिटारा कि मैं मेहनत कर रही हूँ मैं थक जाती हूँ मेरा सर दुखता है मेरा ये मेरा अरे बस कर दे बीबी बस कर दे बाहर से घूम फिर के आना घर में पका पकाया ठूसना ना ये औरत घर का कोई काम कर रही है ना ये औरत बिजनेस में कोई मेहनत कर रही है ना ये बच्चे देखती है ना बच्चों को नहलाना धुलाना पढ़ाई करवाना कुछ नहीं कर रही है ये औरत फिर भी लोग समझते हैं कि ये बड़ी मेहनत कर रही है लोग इसको सपोर्ट करते हैं बताओ इसके वीडियो में रह क्या गया है हु? कौन सी ब्लॉगिंग कर रही है भाई इसने बोली थी कि मैं वीडियो के ब्लॉगिंग के अंदर बिजनेस को नहीं लाऊंगी बिजनेस में मैं ब्लॉगिंग को नहीं लेके जाऊंगी लेकिन अब इसका जो वीडियो है ना वो पूरा के पूरा सिर्फ़ और सिर्फ इसी में रहता है कि कपड़े आ गए कपड़े पैक हो रहे हैं कपड़े लेने जा रही हूँ कपड़े डिलीवरी करने जा रहे हैं कपड़े ये हो रहा है कपड़ा 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 कपड़ा, कपड़ा बाप रे बाप बहुत ऑर्डर आ रहे बहुत ऑर्डर आ रहे ये पीस इतना बनाना है वो पीस उतना बनाए थे ये नहीं बनाए थे वो बनाए थे मतलब कि पूरा के पूरा इसका वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ है और लानत है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी उसको देख रहे इतने लोग भी देख रहे हैं ना मेरे को तो हैरत हो रही है कि कौन से हिसाब से इसको देख रहे हैं भाई इसको अनसब्सक्राइब करो दफ़ा करो इसको क्योंकि अब इसकी वीडियो में रह क्या गया है जो आप लोग देखने में अभी भी लगे हुए हो इतना बेवकूफ़ बना रही है ये औरत इतना बेवकूफ़ बना रही है और तू क्या हलीवान से क्या पूछ रही थी कि तुझे अभी पैकिंग करना सिखा देंगे भाई तेरा कैमरा ऑफ हुआ ना तो वो वहाँ पे हाथ रोकी है वरना वो भी पैकिंग कर रही थी वरना वो वहाँ पे बैठे क्यों हैं अगर पैकिंग नहीं कर रही है तो बेवकूफ़ बनाती है जो ये तू बोल रही है कि तुझे भी पैकिंग करना सिखा देंगे तुम भी पैकिंग करना लानती किरदार उल्लू समझती है यहाँ पे सी समझती है सबको कि अब तुझे सिखा देंगे जैसे वो वहाँ पे शौक आया है ना उसको कि वो वहाँ पे बैठ के देखे कि गोंचू कैसे पैकिंग कर रहा है वो पैकिंग कर रही थी इसने कैमरा ऑन की ना तो इसने उसका हाथ रुकाई है कि मैं जब तक के शूट ना कर लूँ ना तो तू पैक मत कर ताकि ना मैं ये जताऊँ कि घोंचू कर रहा है तू नहीं कर रही है जबकि सारा काम ही ये बच्चों से और घोंचू से करवाती है और क्रेडिट खुद लेती है घटिया औरत और हर कपड़ा हर सूट दिखा रही है और बोल रही है मुझे लगा था ये वाला नहीं बिकेगा हमने कम बनाए थे बहुत ऑर्डर आ रहे हैं अब ये और बनाना पड़ेगा ये स्मॉल साइज़ मुझे लगा था नहीं बिकेगा ये लार्ज नहीं बिकेगा लेकिन देखो ज़रा कितना बिक रहा है कहाँ बिक रहा है बीबी कहाँ दिख रहा है हमें कि तेरे कपड़े कहाँ बिक रहे हैं जो तेरी घटिया सपोर्टरों ने एडवर्टाइज़ की ना तेरे कपड़ों की उससे साफ पता चल गया कि तेरे कपड़े कितने घटिया है तू तो फिल्टर लगा के एडिट करके कपड़े दिखा रही है ना उन लोगों ने विदाउट फिल्टर दिखा दिए और तेरे कपड़ों की पोलपट्टियाँ खोल दिए और वो जो तेरी फसादन सपोर्टर है उसने तो फिटिंग करवाई कपड़े और जताने की कोशिश की कि तेरा साइज़ है ना वो परफेक्ट नहीं है तूने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एम स्मॉल मीडियम एक्सेल करके रखी है एक्सेल के ऊपर तूने मीडियम का लगा के रखी है है ना तभी उसने जाके फिटिंग करवाई और उससे है ना तेरी पोल खुल गई तेरी जो फसादन सपोर्टर है ना उसने तुझे एक्सपोज कर दी तेरी पोल पट्टी खोल के रख दी तो ये मत जाता पिटारा कि बहुत ऑर्डर आ रहे बहुत ऑर्डर आ रहे कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं आ रहे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है और ये सारे है ना तू रेडीमेड पीस उठा उठा के ला रही है वहां जा जा के तू पसंद करती है सिर्फ़ वो जो तू निकलती है ना गाड़ी का ले गाड़ी में बैठ के वो जो तू रिक्शे दिखाती है और तू बोलती है कि हम यहाँ पे मटेरियल लेने आए हैं हम यहाँ पे सामान लेने आए हैं रिफ़िल करना है बहुत ऑर्डर आ रहे हैं ख़त्म हो गए ये हो गया है वो हो गया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ड्रामा है वहाँ पे तू कपड़े और ये सब लेने नहीं जा रही है वहाँ पे तू अलग अलग कपड़े पसंद करती है और ऑर्डर लिखाती है कि इतने इतने पीस भेज देना और उन लोग भेज देते हैं और तू रेडीमेड कहीं से मंगा के और सामने से अपना नाम लगा के अपना ब्रांड बोल के तू बेच रही है समझी घटिया औरत और आज इसने ये दिखाई कि कौसर के बेटे के लिए इसने कपड़ा लिए और क्या बोली कि दो दिन हो गया है ये कपड़ा ला के मैंने रखी हूँ नहीं बीबी दो दिन नहीं हो गया है तू रेडीमेड के मार्केट में जा रही है ना ये बेचने वाले कपड़े लाने के लिए तो वहीं से तूने कौसर के बेटे के लिए भी लेकर आई समझ आई अगर दो दिन हो गया होता ना तो तू जरूर दिखाती खरीदते हुए भी दिखाती और तू लाने के बाद भी दिखाती कि देखो मैंने कौसर के बच्चे के लिए कपड़ा लेकर आई हूँ जो कि बहुत बुरी थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो कौसर जिसका बेटा इतना बीमार था तू वहाँ बाबर के इधर गई थी लेकिन तूने उसके बेटे को पूछी तक के नहीं और अब तुझे कौसर का बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है कौसर की बड़ी याद आ रही है वी उसकी भूखी बिखारन कहीं की बताओ इसके सपोर्टरों के मुंह में क्या गया जो कौशल को गालियां दे रहे थे बदुआएँ दे रहे थे बोल रहे थे तुम अच्छी बनती हो तुम उसके बच्चे के लिए उसके लिए कपड़ा खरीदती हो ये करती हो वो करती हो अरे वो तो, तो तुम लोग को दो कौड़ी का नहीं समझती है देख लो फिर से कपड़ा ला के दिखा रही है औकात बिगड़ के तुम लोग तो बिके हुए दो दो कौड़ी में बिकने वाले घटिया सपोर्टर और पिटारा बेशरम जब तुझे पता है कि तेरी बेटी के ऊपर बात होती है कि तू उसको ही सिर्फ मतलब जान की टोटी और पता नहीं क्या क्या कलेजा और मेरा दिल मेरा ये मेरा वो जो तू करती रहती है फिर उसके ऊपर बातें होती है सबको बार बार याद आता है कि ये नाजायज़ है और ये तेरे प्यार की निशानी है जो हराम तेरा प्यार था फिर भी जानबूझ के तू बार 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 डेली उसको दिखाती है क्या तुझे तय्यबा से बिल्कुल प्यार नहीं है बिल्कुल मोहब्बत नहीं है उसकी हालत देखो तो भिखारन के ऐसी नज़र आती है उसको ना प्यार करती है ना पूछती है ना उसको आवाज़ देती है और आयत को देखो तो उसको मुझे पहना रही है उसके बाल बना के दिखा रही है अरे बस कर दे पिटारा और एजाज को तो मैं बोलती हूँ ना लक दी लानत है कि किस तरह से तू एक तो अपनी बेटी को बदनाम कर रहा है और ऊपर से इसको इतनी बुरी हालत में रखा है और ऊपर से इसको मना नहीं करता है कि मेरी बेटी को मत दिखा वीडियो में इतना स्पेशल कर कर के लेकिन नहीं तुम लोगों को तो शर्म ही नहीं है अगर शर्म होती तो नाजायज औलाद पैदा करते डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को और आप लोगों को क्या लगता है पिटारा को इतनी मोहब्बत हो गई अपनी बेटी से इतनी फिक्र वाली हो गई कि अपने हाथों से मोजे पहना रही है और बाल में दो कंगी फिरा दी हो गया वो जो पोनी बनी हुई थी वो कौन बनाया पिटारा जब उन लोग पोनी बना सकते हैं हलीमा और अन्नू तो क्या बाल में उन लोग कोम नहीं फिरा सकते दिखावे के लिए कर रही है और ये क्योंकि ये वो वाला सीन पता है आप लोगों को क्योंकि इसने वहाँ पे ये बोली है कि मैंने इस बार है ना बच्चों के कपड़े नहीं खरीदी हूँ ठंडी के तो देखो मोजा छोटा हो गया ये हो गया है वो हो गया है तो ये ये जताना चाहती है कि देखो मैं अभी तक के ना शॉपिंग की नहीं हूँ और ये जान बूझ के नहीं कर रही है शॉपिंग इसको शॉपिंग कब करना है जब ये गांव की तैयारी करेंगी ना वहाँ जाने की तब शॉपिंग करेंगी लेकिन हाँ दिखावा ये करते रहेंगी ताकि इसको फ़ंड मिले और एजाज भी भेजे कि देखो भाई इसकी बेटी के मोजे छोटे हो गए हैं तो बाप को चाहिए ना कि अपनी बेटी के लिए भेजे तो ये एजाज़ को भी दिखा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है वरना इतनी अच्छी नहीं है कि ये बेटी की केयर करे और उसको मोजे पिनाए उसके बाल बनाए ये सब दिखावा ना ना कर मत पिटारा तो कैसी है ना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं अच्छा पागल कितना अच्छा बनाती है कि खुद जब भटकने निकल रही थी तो झूठ झूठ बोल दी कि बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दी पहले तो इसने बोली बच्चे ट्यूशन जा रहे खुद बाहर अकेली निकली और निकलते साथ में बोलती है कि मैंने बच्चों को ट्यूशन छोड़ दी अब हम मार्केट जा रहे है आप लोग खुद सोचो क्या ये दो फेरे लगाएंगी पहले बच्चों को छोड़ के आएंगी फिर खुद मार्केट के लिए निकलेंगी नहीं बच्चों का सिर्फ और सिर्फ इसने बैग जान बूझ के दिखाई उसके बाद में ये बच्चों को घर में छोड़ के निकल गई मार्केट के लिए और इसके बच्चे गए ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए झूठ बोली है इसने कि बच्चे ट्यूशन जा रहे बच्चे कहीं पे भी नहीं गए ये इसके जाने से पहले बच्चे इसके घर में नजर आए आने के बाद घर में नजर आए और जान बूझ के तैयबा को पूछ रही है कि टीचर ने छोड़ के गई है टीचर ने छोड़ के गई आपको वाह टीचर नहीं इनकी तो नौकरानियाँ हैं भाई तो इनके बच्चों को पढ़ाते भी है घर तलक छोड़ के भी जाते है बड़ी अजीब बात है नही क्योंकि इसके बच्चे गए ही नहीं है पढ़ने ना इसके लिए लोग लो घर में ही थे तैयबा की हालत देख के पता चल रहा था कि वो ट्यूशन नहीं गई है वो घर में उसके हालत से ही पता चल रहा था वरना इसके बच्चे अगर ट्यूशन जाते हैं ना तो फिर वो टीचर बाल बना के भेज देती है वो ऐसे बिखारन के जैसा नहीं भेजती है बच्चे तो झूठ तो है ना पिटारा तू बोल मत ये बच्चे ट्यूशन गए लांती किरदार जाते जाते हलीमा को बोल के जा रही है कि घर का ख्याल रखना जबकि इसके घर का ख्याल कौन रख रहा है लोटा मामू वो इसके घर का ख्याल रख रहा होता है वो बच्चों का ख्याल रख रहा होता है और ये हलीमा को बोल रही है घर का ख्याल रखना मतलब कितनी ज़्यादा ये अजीब है ना औरत के छोटे छोटे बच्चों के हवाले घर छोड़ के जाएंगी उनके हवाले घर छोड़िए और फिर बोलती है कि हमारे बहुत दुश्मन है हमारी जान को खतरा है हमने सीसीटीवी लगा लिए हमने ये कर दिए हमने वो कर दिए और वो चीज़ देख के मुझे बड़ी ऐसी आई थी वही टाइम पे ऐसी आई थी जब इसने बोली कि मैंने किचन में सीसीटीवी लगाई मतलब खाने पीने पे भी ये रोक टोक करती है देखो जरा कितनी बेहुदा औरत है कि किचन में कौन सी सी लगाता है भाई लेकिन बस अब क्या ही बोल सकते हैं खैर लेकिन इसने जो बोली है ना कि हलीमा घर का ख्याल रखना पिटारा तू भी थोड़ा सी उनका और उनके खानदान का ख्याल रख लेती जो हुआ है रमज़ान की बेटी जिस तरह की पैदा हुई है उसने दिखाया तो तूने उसके लिए एक लफ्ज़ नहीं बोली मदद करना तो दूर की बात है तूने एक लफ्ज नहीं बोली और जैसे तू हलीमा से काम करवा रही है वैसे ही रमजान और अनिता से भी करवा रही थी लेकिन शर्म तो तुझे फिर भी नहीं आती है इससे भी खूब काम करवाएंगी जब गाँव जाएंगी तो गाँव में छोड़ देंगी और उसके बाद में तेरा किरदार खत्म है ना सिर्फ और सिर्फ उनको लूटना है उनको उनसे काम करवाना है उनसे पूरी उनकी पसीना पूरा निचोड़ के वसूल करना है और पैसे कितने देने हैं आधे जितनी उसने उन लोगों ने मेहनत की है ना उसके आधे पैसे देने हैं और दिखावा ऐसा करना है कि मैं बहुत कुछ करती हूँ बहुत गिरी हुई औरत है पिटारा तू बाकी पिटारा ये जो तू बैंक का बोल बोल के इतना जता रही थी दिखा रही थी बैंक में काम रहता है जाने बहुत कंटाला आता है मुझे बहुत बोर लगता है बहुत मजबूरी है तो जाती हूँ तो हम लोग दुआ करेंगे पिटारा कि तू इतनी बड़ी भिखारन इतनी बड़ी भिखारन बन जाए तेरे पास में एक टका ना हो बैंक में तो दूर की बात है तेरी जेब में एक टका ना हो ताकि तेरा बैंक से कोई लेना देना ना बच्चे और तुझे बैंक है ना परेशान होने ना जाना पड़े ठीक है दुआ करेंगे हम लोग इतना घमंड अच्छा नहीं है बेटा राजो तू इतने घमंड से दिखा रही थी ना कि मुझे बैंक जाना पड़ता है मुझे बैंक जाने बहुत कंटाला आता है काम रहता है तो थोड़ी सी ना शर्म कर ले बाकी ये जो इसके सपोर्टर है जो भोंकते रहते हैं हर एक चीज गोचू के हाथ में है गोचू इससे सब छीन लेगा कौशल को दे देगा तो फिर ये क्यों जाती है बैंक जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें इसके पास में है ना जो भी जितनी भी चीज़ें ना वो सब पिटारा के नाम पे है पिटारा के पास है इसकी साइन के बिना उसके बिना गोंचू एक रुपया नहीं निकाल सकता है और तुम लोग आए दिन कौसर और गोंचू को गालियां देते हो अगर के सब कुछ गोंचू के हाथ में है तो ये क्यों जाती है बैंक और क्यों इतना घमण से दिखाती है जताती है कि बैंक जाने बहुत कंठाला आता है अगर गोंचू के हाथ में रहता तो फिर इसको कंटाला आता है ये तो जावे ही नहीं तो थोड़ी सी ना शर्म करो तुम लोग डूब के मर जाओ मनुसो बाकी देखो भाई पिटारा वो मार्केट में पहुंची और पता नहीं सीख चना कुछ ले रही थी और वो आदमी से भी लगी हुई है कि आप मसाला नहीं डालते आप कहाँ रहते हो आपकी फ़ैमिली कहाँ रहती है आप कहाँ के हो मतलब कि ये औरत को आदमियों से बात करने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है इतना ये पागल औरत है कि इसको बस मर्द चाहिए किसी तरह से कौन सा मर्द मिले और मैं इसके ऊपर लपक लूँ अरे पिटारा शर्म कर शर्म अब आया तो पहनती नहीं है शर्म हया तो खो के रखी है थोड़ा सी यही लिहाज रख ले कि जब तेरे साथ में घोंछू जैसा बेगैरत आदमी है तो उससे बात करवा लिया कर हर मर्द से आप लोगों ने देखे घोंछू को कि कोई औरतों से बात कर रहा होगा औरतों से छोड़ो मर्द से वो बात कर रहा होगा और ये साइड में खड़ी होगी नहीं देखे होंगे ना क्योंकि हर जगह पे ये खड़े रहती है और क्या बोलते है ये पागल है इसको दिमाग कम है इसको समझता नहीं है ये भोली है देख लो हर जगह बात ये करती है हर मर्द से हर औरत से डील ये करती है हर एक चीज़ ये करती है और इसको बोलते हैं ये भोली है ये बेवकूफ़ है ये पागल है लगती है कहीं से आप लोगों को ये चला रही है भाई सबको पूरे खानदान को घोंचू को, को हर एक चीज को ये चला रही है ये कहाँ से भोली और बेवकूफ़ है बताओ और भटक के वापिस जब घर पे आई है तो तय तो आयत को बोल रही है कि कपड़े बेचने जा रही हो तुमने कस्टमर बनाए नहीं पिटारा कस्टमर तो तू बनाती है ना वही करने तो तू गई थी है ना आने के बाद में तेरे मुंह से साफ नजर आ रहा था कि तू क्या करने के लिए गई थी तू बिजनेस के लिए नहीं तो कस्टमर बनाने गई थी कस्टमर बनाती है फिर उनके साथ में मुँह काला करने जाती है तो ये बात तेरे मुँह से बोलने की ज़रूरत थी कि कस्टमर बने तुम्हारे लानती किरदार घटिया औरत बे और आके बच्चों से पूछ रही है खाना खा लिए तुमने खाना खा ली तुमने खाना खा ली खा यही लिए सपोर्ट किए थे ना इसको कि इसको इतना तक के नहीं पता है कि इसके बच्चों ने खाना खा लिए कि नहीं खा लिए लानती किरदार हो तुम लोगों ने सपोर्ट करके इसको इससे बच्चों से और दूर कर दिए वैसे भी औरत तो थी घटिया जो बिल्कुल भी बच्चों को देखती नहीं थी पूछती नहीं थी तुम लोगों ने और ज़्यादा कर दी है कि और भी ये ध्यान नहीं देती है कि बच्चों ने खाना खाए कि नहीं खाए वो भी इसको नहीं पता होता है और बेसरम की तरह मैं डाइट करती हूँ ना फिर मैं खाना खाती हूँ तो घरचे मेरे पीछे पड़ जाता है कि तुम तो डाइटिंग पे हो ओ मोटी तू जितना ठूसती है ना तू कभी भी डाइटिंग नहीं कर सकती है तेरा मुँह से साफ दिखता है तेरे बदन से पता चलता है कि तू कोई डाइटिंग नहीं करती है तू सिर्फ और सिर्फ ठूस ठूस करती है और बार बार डाइटिंग का नाम लेते रहती है मैं डाइटिंग कर रही हूँ मैं डाइटिंग कर रही हूँ लानती किरदार अच्छा घोचू और इसका बेटा वहां बैठ के खाना खा रहे डाइनिंग टेबल पे इसने क्या की अपने खाने की प्लेट लेके डायरेक्ट वहाँ पे पीछे बाजी जाके बैठ गई वहां पे बैठ के टांगे ऊपर करके अकेले खाना खाई सोचो ये औरत की सोचो कितनी घटिया औरत होगी कितना अपने आप को ये कुछ स्पेशल समझती है जो ये साथ में घोंचू के बैठ के खाना तलक के नहीं खाती है और फिर बाद में इसको बोला जाता है कि गोचू इसको प्यार नहीं करता गोचू इसको पूछता नहीं है अरे बहुत ज्यादा जलील लोग है जो ये सब बोलते और भाई घर को तो पूरा ये शॉप बनाने पे तुली हुई है वहाँ पे वो सारा कुछ लगा के और टाइटल थंबनेल डाल रही है हमारा न्यू सेटअप अरे घटिया हो रहा था अभी थोड़े दिन आप लोग रुको फिर ये बताएंगे कि अब है ना हम ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन बेच रहे हैं हमने है ना घर को शॉप बना ली है और कस्टमर है ना घर पे आ रहे हैं कपड़ा लेने बहुत जल्दी आप लोगों को ये भी देखने के लिए मिलेगा इस जिस तरह से इसने मुस्तफ़ा के रूम में वो कबट रखी है पहले तो ये बोल रही थी कि मुस्तफ़ी का रूम है यहाँ पे मैं कुछ नहीं रखूँगी सिर्फ मैंने प्रिंटेड रखी हूँ और फिर मैंने सिर्फ यहाँ पे लैपटॉप रखी हूँ अब इसने कबाड़ भी रख दी उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी मैं अपनी कोई चीज़ यहाँ नहीं रखूँगी वरना मुस्तफ़ी बोलेगा मम्मा सब चीज़ें मेरे से छीन लेती है तो अभी वो इतना बड़ा महमद मसरा कबाड़ क्यों रखी वहाँ पर और फिर जहाँ पे इसने इसका बेडरूम था वहाँ पे भी एक कबाट रखी है और वहाँ पे फिर अपना हैंगल बता रही है कि ये भी चेंज होगा बड़ा लगेगा अरे पिटारा कितने दिन ये सब ड्रामा कितने दिन ये कंटेंट चला लेंगी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पिटारा ने ये कॉन्टेंट भी ख़त्म कर दी इससे भी इसका दिल भर गया और ये जितने पैसे लगा रही है जितने भी ये पैसों का सत्यानाश कर रही है ना सब के सब बर्बाद करेंगी और जो इतने रूम बताइए ना कि मैं यहाँ पे शूट के लिए ये रूम ये की हूँ वो की हूँ वहाँ पे कुछ अलग ही शूट चल रहा है भाई जिसकी वीडियो पब्लिक को नहीं मिलती है जिसकी वीडियो बिकती है ब्लैक जो वो रहती है ना साइड वहाँ पे बिकती है वो वीडियो वो सारी वीडियो वहाँ पे बन रही है इसकी ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के आड़ में है ना गंद कर रही है काला गंद जो कि ये पहले भी करती थी रसीदे भी आई थी वाइटी पे वही गंध ये अभी भी कर रही है बस नाम डाल दिए बिजनेस का कि बिजनेस की यहाँ पे शूटिंग होगी देखेंगे ना पिटारा कितने ही तू वहाँ पे शूट कर लेती है और कितना ही तेरा बिजनेस चलता है और कब तक के चलता है वो भी देखेंगे और वही फिर एंड में तो बता दी कि सर में दर्द था तो मैं सो गई थी मैं टेबलेट लेके सो गई थी पता नहीं बिना काम किए बिना कोई टेंशन बिना कोई मेहनत के इस घटिया औरत के सर में दर्द कैसे शुरू हो जाता है और फिर वीडियो डायरेक्ट अगले दिन का दिखा देती है क्योंकि रात को पता है ना क्या काम करती है ये हम्म तो वो काम करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है ना ये कि फिर ये झूठ बोल देती है कि मेरे सर में दर्द था तो मैं सो गई थी तो नेक्स्ट डे हो गया है बाकी पिटारा तेरे सर में दर्द का क्या मतलब है ना वो मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ और तेरे होठ से साफ तेरे होठ बयान कर रहे थे कि क्या कर रही थी तू और कौन सा तेरे सर में दर्द था ना वो हमें सब पता है अच्छे से पता है और तेरे खुद का ना होठ और तेरे ये जो लब बाइट है ये जो तू दिखाती है ना वो सारी चीज़ें है ना साफ जताती है चीख चीख के बताती है कि तेरे कौन सा दर्द था और वो दर्द का नाम क्या है और वो दर्द तुझे कब कब और कैसे कैसे होता है जब असगर आया था ना तब भी इसके सर में रोज दर्द रहता था रोज दर्द रहता था जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर देती थी बोलती थी मेरे सर में दर्द है मेरे सर में बाद में पता चला था ना रिजल्ट आया था सामने कि कौन सा दर्द था चार चार घंटे उसका इलाज करवाने जाना पड़ता था इसको तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पिटारा कि तेरे सर में दर्द होता है ना तो वो मत बताया कर हमें बहुत अच्छे से पता है वो दर्द का मतलब बहुत अच्छे से पता है तो चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लव यू